किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप। धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 5 एवं 6 अगस्त को होगा लोन मेला का आयोजन। उपायुक्त करेंगे उद्घाटन। आजादी का 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा आगामी 5 अगस्त और 6 अगस्त को चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र श्रम कल्याण केंद्र के टाउन हॉल में 2 दिवसीय स्वरोजगार हेतु लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी ने प्रेस वार्ता कर साझा किया। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार लोन मेला में क्षेत्र के 11 बैंकों द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा एवं लाभुकों को लोन मुहैया कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक चिरकुंडा शाखा, भारतीय स्टेट बैंक कुमारडुबी शाखा, बैंक ऑफ इंडिया चिरकुंडा, एक्सिस बैंक चिरकुंडा, ICICI बैंक चिरकुंडा, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक चिरकुंडा, HDFC बैंक चिरकुंडा, बैंक ऑफ बड़ौदा चिरकुंडा इत्यादि बैंकों द्वारा ये लोन मेला का आयोजित किया जाएगा। लोन मेला में प्रधानमंत्री सेवा निधि, SG क्रेडिट लिंकेज मुद्रा, शिशु, किशोर, तरुण, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में बैंकर्स द्वारा जानकारी दी जाएगी और जो भी बेरोजगार लोन लेना चाहेंगे उन्हें आवेदक को उचित कागजात के साथ जमा किया जाएगा। इस मेले में आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए शेविंग कैसे किया जाएगा इस पर भी जागरूक किया जाएगा। लाभुकों को लोन लेने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इस लोन मेले में 10,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन की प्रधान है, जो कि बिल्कुल कम ब्याज दरों में लाभुकों को लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े आसानी से ले सकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा एवं 6 अगस्त को निरसा के माननीय विधायक श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर लोन का लाभ उठाएं। वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव लोन मेला का आयोजन हमने चिरकुंडा में किया। सभी बैंक, 10 बैंक हैं, सभी बैंक में पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि चिरकुंडा वासी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। कोविड के बाद आर्थिक स्थिति एकदम खराब होने के कारण उसको संभालने वाला एक बैंक ही है और सभी बैंक को हमने आग्रह किया और हमारी बोर्ड मीटिंग में भी हम लोग सबको आग्रह किए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लाभों को लाभ मिले और यहाँ रोज़गार बढ़े। इन्हीं अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम लोग यही कार्यक्रम लोग करेंगे। कैसे लोगों को लाभ मिलेगा? बहुत सारा योजना है, जैसे PMGP है, SHG को जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उसको, और स्टिक वेंडर है उसको, छोटे छोटे जो स्टिक वेंडर है उसको भी लाभ मिलेगा। हर प्रकार का लाभ मिलेगा लोन के अवसर पर। क्या क्या दस्तावेज लोगों को देना पड़ेगा लोन लाभुकों को? लोन लाभ के लिए दस्तावेज के लिए पूरा सभी टीम रहेंगे, आवेदन दिया जाएगा, उसमें जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, और अगर रिटर्न देते हैं तो रिटर्न वाले भी दे सकते हैं। अगर बड़ा लोन चाहिए तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सब सबमिट कर सकते हैं। मतलब आसान तरीका से जितना मतलब लोन मिल जाए वो प्रक्रिया हम लोग सभी बैंकर को बोले हुए हैं और सभी बैंक करेंगे भी, और इनका उद्घाटन हमारे उपायुक्त महोदय करेंगे। 2 सत्र चलेगा, 1 5 तारीख को है, 6 तारीख को, 6 तारीख को माननीय हमारे विधायक अपर्णा जी रहेंगे। PM स्वनिधि रोजगार योजना के तहत लाभ मिलेगा। SHG के लिंक क्रेडिट होंगे, मुद्रा, शिशु, किशोर, तरुण के अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का भी हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम इसको सबको लाभ मिले इस योजना का, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और डिस्ट्रिक्ट वेंडर को हम लोग सर्टिफिकेट भी वितरण करेंगे। बहुत सारे कार्यक्रम हैं अवेयरनेस लाने के लिए, हम लोग और भी कई कार्यक्रम हम लोग चलाएँगे, यहाँ किसी तरह रोजगार बढ़े और यहाँ ग्रोथ मिले। लोन राशि का अमाउंट क्या रहेगा? लोन राशि का बहुत सारा लोन राशि का जो अमाउंट है